हेलो एवरीवन, मैं हूँ योर शुभचिंतक और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियलिटी बिहाइंड एस्ट्रॉइड स्ट्राइक ऑन 29th अप्रैल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको मिले नोटिफिकेशंस हर नए एपिसोड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी जगह ये न्यूज वायरल हो रही है कि दुनिया अप्रैल 29th को खत्म हो जाएगी, तो आज मैं करूंगा इस पर ब्रेक डाउन। वीडियो पर बने रहिए एंड तक ताकि आपको पता चले इसमें कितनी सच्चाई है। कई दिन पहले नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा था कि 29th अप्रैल की सुबह 5:56 पर एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से गुजरेगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम 1988 OR2 है और ये एक विशाल एस्ट्रॉइड है। नासा का ये कहना है कि ये एस्ट्रॉइड अर्थ के ऑर्बिट से गुजरेगा और चांसेस है कि ये एस्ट्रॉइड हमारे सैटेलाइट से टकराएगा। नासा के रिपोर्ट के अनुसार ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से करीब 4 मिलियन माइल्स दूर से गुजरेगा। फिलहाल अभी इस एस्ट्रॉइड को दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप से देखने में भी दिक्कत आ रही है। और अब बात करें इससे जुड़ी एक बहुत ज्यादा वायरल मिथ की, जो ये है कि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है और दुनिया 29th अप्रैल को तबाह हो जाएगी। हिंदू के हिसाब से भगवान विष्णु का प्रकट होना, मुस्लिम के हिसाब से कयामत की निशानी में शामिल होना, क्रिश्चियन ज्यूस के हिसाब से मसीहा का आना, इन बातों को एस्ट्रॉइड हिट से लिंक किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये खबर बिल्कुल झूठी है और इस खबर को साझा किया था एक वेल नोन न्यूज एजेंसी डेली एक्सप्रेस ने, जिसका एक आर्टिकल में ये बात प्रिंट की गई थी। जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लोगों में डर है, वहां इस बात के सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। और इसी को देखते हुए नासा ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि ये न्यूज फेक है और ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नहीं टकराने वाला। लेकिन इंडिया में आज भी कई न्यूज चैनल्स पर ये झूठी बात को दिखाई जा रही है और लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस झूठी न्यूज पर कई YouTube वीडियोस भी बनाई गई है ताकि उन्हें व्यूज मिले। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नहीं टकराने वाला है। दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जो इस फेक न्यूज से डर रहे हैं, और बताइए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ योर शुभचिंतक, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।